शुक्र है कि तुम ठीक हो मेरे बच्चे। माफ कर दीजिएगा मुझे, सब मेरी वजह से हो। मेरे बेटे, मेरी जान साई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। मुझे पता चला कि आप अस्पताल में, मैं परेशान हो गया, कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया आप लोगों को। रुकिए जरा, मुझे आपको देख ले। आप तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि तुम जिंदा हो, अब हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सईद मेरा बेटा भाई। दादा, शुक्र आप लोगों से मिल लिए। तुम इस आग से कैसे निकले? बस निकल गया मैं। अम्मी, ये क्या हुआ? बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो, मेरी जान। तुमने जो करना था वो कर लिया, जबरदस्त हो गया। तुमने उन लोगों को सोच में डाल दिया कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे, मर चुके हो। तुमने फिक्र करा किया कि बीवी को अपने वर्कशॉप में छुपाया, और तुमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने उन लोगों को कितनी तकलीफ से गुजारा है। तुम्हें तलाश करते करते वो यहां तक आन पहुंचे। तुम्हारी वजह से उन जालिमों ने इस पूरे घर को आग लगा दी। रुको, वो लड़की जिंदा है क्या?
विकृत करा गया कि बीवी जिंदा है या नहीं ये बताओ। जिंदा है। तो फिर कहां है वो? वो नहीं बताऊंगा मैं। ये अच्छी बात है, तुम फौरन उसे उसके घर भिजवाओगे। इस मौजू पर भी बहस मत कीजिए मुझसे, ज्यादा देर तक यहां रुकना मुनासिब नहीं है। ट्रक यहां से करीब है, हमें यहां से निकलना होगा। दादा, अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप वहां तक चल सकते हैं क्या? हाँ मैं चल सकता हूँ। चलो बेटा, ठीक है, चलते हैं। चलो बेटा, चलो चलते हैं यहां से। चलिए दादा। शुक्र है खुदा का, चलो मेरा बेटा ठीक है। शुक्र है खुदा का। बस पहुंच गए दादा। बाबा मेरे साथ चले, मैं आपको होटल में ठहरा दूंगा। जरूरत नहीं, मैं रहने का इंतजाम कर चुका हूं। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अच्छा ये होगा कि तुम इन लोगों से दूर रहो, ये मेरे साथ चलेंगे। आपका इन लोगों पर कोई हक नहीं, याद है कुछ? हाँ, पहले ही तुम्हारी वजह से आग में झुलस गए और अब तुम इन्हें मौत के मुंह में ले जा रहे हो। हाँ चले जाओ यहां से। बात सुनो, इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, जानते हो तुम? ये सब उस करा के खानदान की वजह से हुआ है। जरा देखो इसे, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसने कुछ भी ना किया हो। जाकिर पुलिस स्टेशन में है और वो जेल चला जाएगा, ये सोच रहे हो ना तुम? होश में आओ लड़के, वो शाम होने से पहले वहां से निकल जाएगा। वो छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे पीछे आएगा। उस आदमी ने सही कहा था, और वो तुम ही शख्स हो ना जिसने फिकरत की बीवी को अगवा किया था? मैंने उसे अगवा नहीं किया था, सिर्फ उस लड़की की मदद कर रहा था। आप समझ नहीं सकते क्या ये बात उन लोगों ने आपको बताई थी, या फिर आपकी उस शरीफा ने? शर्म आनी चाहिए तुमको। शर्म? शरीफा अभी अस्पताल से आई और अब तक ठीक नहीं हुई। हमें इसे मत घसीटो। हम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, ना तो हम उस लड़की को जानते हैं और ना ही ये कि तुम उसकी मदद कर रहे थे। देर हो रही है दादा, चलते हैं। तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं? ना ही तुम इनके बारे में सोच रहे हो और ना ही तुम्हें कोई पछतावा है। तुम इस दुनिया के आखिरी आदमी होगे जो पछतावे की बात करेगा। कुछ सुनाई दे रहा है? सईद, रहने दो, तुम्हारे दादा ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। चलो उन्हें गाड़ी में बिठाओ। चलिए, देर हो रही है। चलिए अम्मी। चले, झुक कर बैठेगा ताकि कोई देखे ना, ठीक है? ठीक है, बस ख्याल से। हाँ ठीक है। तुम अब भी सईद का साथ दे रही हो? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उससे होश नहीं आया तुम्हें? अम्मी बैठ जाइए, बैठ जाइए, निजो के बैठ जाइए। बेवकूफ लोग नहीं है, ये तक नहीं जानते कि इनका मुकाबला किन लोगों से है। तो तुम नहीं जानते कि वहां आग कैसे लगी? नहीं ऑफिसर, मैं नहीं जानता। कसम से मैंने कुछ भी नहीं देखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने दूर से आग के शोलों को भड़कता देखा, और जब दौड़ता हुआ मैं वहां तक पहुंचा तो मालूम हुआ कि मुस्तफा साहब का घर है। ठीक है ठीक है,
यहां पर साइन कर दो। तुमने बिल्कुल सही काम किया सादात। चलो अब घर जाकर आराम करो। जाओ। अली भाई क्या है? अली भाई दरवाजा खोलें। क्या मसला है? जाकिर साहब पुलिस स्टेशन में, पुलिस हमारे दरवाजे पर भी खड़ी है, वो आपको बुला रहे हैं। उनसे कहो कि मैं आ रहा हूं। जी ठीक है भाई। अली बेटा हमारे घर पुलिस क्यों आई है? अली अली बेटा मुझे बताओ ये सब क्या है? वो तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब? बाबा ने उस्ताद मुस्तफा के घर में आग लगा दी। क्या कह रहे हो तुम? उनके पोते सईद ने जोहरा को छुपाने में मदद की थी और फिर वो दोनों भाग गए। उनके घर वालों ने जब उनका पता नहीं बताया तो बाबा पागल हो गए। उन्होंने जवान और बुजुर्ग का लिहाज किए बगैर तेल छिड़क कर सबको जिंदा जला दिया। आप भी खुदा का कहर नाजिल हो उस आदमी पर। खुदा गौरत करे उस जालिम को। अम्मी तो फिर मुझे भी बतवा दीजिए, क्योंकि वहां मैं भी मौजूद था। मैं वहीं खड़ा था जहां वो लोगों को जिंदा जला रहे थे। वहीं खड़े शोलों में जलते लोगों की चीखें सुन रहा था मैं। दे मुझे भी बतवा। और फिर वहां से बुजदिलों की तरह भाग आए। अली साहब पुलिस स्टेशन में किसी सवाल का जवाब मत दीजिएगा। आप आग के बारे में कुछ नहीं जानते, समझ रहे हैं ना? अली साहब देखें, मुस्तफा और उसकी फैमिली घर से जिंदा बाहर आ चुकी है। और ठीक है, मुस्तफा उसकी बहू और उसकी बेटी जिंदा हैं। देखें आपकी फैमिली का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये जाकिर साहब का हुक्म है, समझ रहे हैं ना? बात को समझें आप। अली साहब सुने, ये बहुत ही अहम मामला है। पुलिस स्टेशन जाकर कुछ उल्टा सीधा मत कह दीजिएगा कि जाकिर साहब के लिए कोई मसला हो। अली साहब, अली साहब, मुझे ये कितनी बार कहना पड़ेगा आपसे? मैंने जब वहां आग देखी तो मैं दूसरों की तरह देखने के लिए रुक गया वहां पर। इसके अलावा और क्या बताऊं मैं आपको, बेजार हो चुका हूं मैं। मेरा फोन और मेरी चीजें वापस करें ताकि मैं जाऊं यहां से। हम यहां अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपका बयान लेना हमारा फर्ज है मिस्टर जाकिर। आप मुझे बगैर किसी सबूत के यहां नहीं रोक सकते। ये रहा आपका बयान, इसे अच्छी तरह से पढ़ के दस्तखत कर दें। मुझे नहीं पढ़ना कुछ भी। अली कैसे हो? इन्हें कुछ नहीं बताना, कुछ भी पूछे इनकार करना। तशरीफ रखिए। मिस्टर अली, कल रात जब मुस्तफा साहब के घर पर आग लगी थी तो क्या आप वहां मौजूद थे?
हाँ बिल्कुल। क्या मुस्तफा साहब के घर पर आग जाकिर कराकिया ने लगाई थी? अली साहब, आपके जवाब का मुंतजिर हूं। सबको खुशामदीद। मुस्तफा दादा हमारे घर में खुशामदीद। खुशामदीद। अम्मी आपको मेहमत याद है? हाँ बेटा, तुम हमें अपने घर में रख रही हो, इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएंगे? कैसी बातें कर रही हैं? इससे अपने ही घर समझे आप। अच्छा ज़ोरा, ये भी हमारे तरह इस घर में मेहमान है। जो कुछ हुआ उसका अफसोस है मुझे। मुझे भी तुम्हारे साथ जो हुआ उसका अफसोस है। चलिए अंदर चलिए, आ जाए। ठीक है, चले अंदर चले। आप मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके आता हूँ मैं, ठीक है? तुम्हारा इस तरह उन लोगों की नजरों में आना ठीक नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी जाना जरूरी है। सैयद, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? वहां मत जाना और ना ही कभी ऐसा सोचना तुम। सैयद अंदर जाइए, खुदा के लिए मैं अंदर जाइए। भाई, भाई क्या तुम पागल हो गए? वो तुम्हें मार डालेंगे। सैयद, सईद, तुम कहीं नहीं जाओगे। दादा हट जाए मेरे रास्ते से। हरगिज नहीं, तुम्हें मुझे मारकर यहाँ से जाना होगा। दादा उन्हें अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा और मैं उनके किए की सजा उनको देकर रहूंगा। खुदा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए, खुदा के लिए। या तो नीचे उतरो या फिर तुम्हें अपने दादा की लाश पर से जाना होगा। सईद मत जाओ बेटा, सईद मत जाओ। सईद रुक जाओ। चला गया। बेटा क्या तुम इसे चला सकते हो? हाँ मैं चला सकता हूँ दादा। चलो चलकर अपने शेर को तलाश करते हैं। बाबा आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा चल भी नहीं सकते, आप वहाँ कैसे जाएंगे? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। वैसे तुम यहाँ बाहर क्या कर रही? चलो चलो जाओ, अंदर जाओ। मेरे बेटे को वापस लाइएगा बाबा, मेरे बेटे को वापस लाइए। अंदर चलो बेटा। आप फिक्र मत कीजिए आपा, वो इसे जल्दी वापस ले आएंगे। आइए, मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं जो आपके जख्मों को ठीक कर देंगी। आइए। शुक्रिया शुक्रिया। अंदर चले। आओ बेटा अंदर चलो। मदद करे जालिमों को, मैं सईद के लिए फिक्रमंद हूं। अल्लाह से दुआ है कि हम उन जालिमों को आसानी से ढूंढ निकाले। इंशाल्लाह दादा, इंशाल्लाह।
इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर दस्तखत कर लें। जाकिर करा कि आप हैं? हाँ मैं हूं। आपको रिहा कर दिया गया है। इब्राहिम के लिए भी गरम गरम चाय लाई हूँ, बुला लो वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ वो भी आ रहे हैं। बड़ा अच्छा रंग आया है चाय, आप भी पीजिए ना खाला। मजे से पियो फिर। इब्राहिम कब से गया हुआ है? मुस्तफा का खानदान भी मुसीबत में है ना। जहन्नुम में जाएं वो लोग। ऐसा मत कहो, उनको बद्दुआ मत दो, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है ये। उन्हें जो भी हुआ अपने किए की सजा है वो। लेकिन कराकिया खानदान को कैसे पता चला कि वो लड़की उनके पास है? पता नहीं खाला, इतने तो आदमी है उसके, बता दिया होगा किसी ने। शायद आ गए हैं। कहाँ रह गए थे इब्राहिम? कितनी परेशानी थी, बताएं वहाँ क्या हुआ? घर वालों के बारे में कोई खबर? हाँ ये लटका दो। अरे कुछ तो बताएं इब्राहिम। सब अच्छा है। ओह बहुत शुक्र रब्बुल आलमीन। खुशामदीद इब्राहिम। शुक्रिया खाला। मुझे उस हादसे का पता चला बेटा, अफसोस हुआ। शुक्रिया, सलामत रहिए। हाँ रहने के लिए तो घर भी नहीं बचा ना, कहाँ है वो? सईद उन्हें ले गया है। सईद के साथ? वो जिंदा है क्या? बिल्कुल, वो जिंदा है और महफूज है। ओह अच्छा है। कहाँ देखा आपने? अस्पताल में? कहीं भी देखा हो तुम्हें इससे क्या सरोकार? मैं बता तो चुका हूँ कि वो सईद के साथ है। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मुबारक हो तुम्हें इब्राहिम। शुक्रिया। उस लड़की का क्या हुआ, जिंदा है क्या? वो भी जिंदा है। वाकई अल्लाह का करम है, शुक्र। सईद ने उस लड़की को बचाया, मैं समझा शायद वो एक अहमक लड़का है। बहुत परेशानी उठाई मगर फिर भी किसी सूरत हार नहीं मानी उसने। उस लड़की की खातिर आग में कूद गया। फिर वो उसके बाद कहाँ गए? मालूम नहीं। रिहाई मुबारक हो भाई। शुक्रिया शुक्रिया। रिहाई मुबारक हो भाई। शुक्रिया। रिहाई मुबारक हो। जीते रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। घर पे मिलते हैं बाबा। अली, खुदा हाफिज़। आप यहां क्यों आई अम्मी? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। मेरे लिए फिक्रमंद ना हो अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बाबा भी जेल से रिहा हो गए और वो भी ठीक है। चले जाओ उसके साथ। तुम्हें पता है आज मैं अली की वजह से परेशान था कि पता नहीं बंदर क्या बयान दे दे। शुक्र है उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह है अभी।
बिल्कुल भाई बिल्कुल। हेलो। हेलो साहब, मैं शरीफा बात कर रही हूँ, आपको कुछ बताना है। बताओ शरीफा। सईद और सोहरा दोनों जिंदा है। तुम्हें कैसे मालूम ये सब? इब्राहिम ने सईद को देखा है। और जोरा? वो उसके साथ नहीं थी वहाँ, सईद अकेला था। अपने दादा माँ बहन को लेकर गया है। गए कहाँ ये बताया? ये उन्होंने नहीं बताया, इब्राहिम को जैसे ही पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। इंतजार रहेगा मुझे। चलो अभी निकलना होगा मुझे, गाड़ी में बैठो। जो हुक्म भाई। सईद भी यही होगा। चलो बेटा आ जाए। बात सुनो बेटा, जाकिर करा क्या क्या यहीं पर है? खैरियत तो है, आप क्यों पूछ रहे हैं ये? दरअसल हम उनके रिश्तेदार हैं, वो बस हम सोच रहे थे कि क्या अभी भी उनसे पूछ कुछ हो रही है। वो तो कब से रिहा होकर चले गए। शुक्रिया बेटा। जी कोई बात नहीं, आ जाए वापस चलते हैं। टर्मिनल पर खड़ी बसों में से हर बस की तलाशी लो। एयरपोर्ट जाओ और वहां पे मुसाफिरों की तमाम लिस्टों को चेक करो। शहर से बाहर ना निकल पाए वो लोग, समझ गए ना? बंद करो अपना फोन, नीचे करो उसे। फोन और पिस्तौल खिड़की से बाहर फेंको फौरन, जब्बार। चालाकी मत दिखाना। नीचे करो शीशा। चलो बाहर फेंको दोनों चीजें। चलो जाकिर तुम्हारी बारी है, जल्दी करो जाकिर। यह सब तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। तुमने जो करना था वो तुम कर चुके हो, फेंको से जल्दी। निकलवा सकते हो तो निकलवा लो, निकालो और फेंको बाहर। सो नहीं गला काट दूंगा तुम्हारा शकर। गाड़ी रोको। रुक जाओ रुक जाओ। चलो तो तुम गाड़ी से। गलती कर रहे हो तुम। हाथ रखो गाड़ी से। सुन लो इसकी बात, चलो गाड़ी चलाओ फौरन। करना क्या चाहते हो तुम? चुपचाप गाड़ी चलाओ। तुम इतना दम नहीं कि मेरे गले पर छुरी फेर सको? नहीं, इसके बाद जो होगा बर्दाश्त कर पाओगे? तुम्हें जिंदा रहने कितनी मोहलत नहीं मिलेगी। ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है,
ना तुम जोरा को लेकर भागते और ना ये सब कुछ होता। जोरा को मेरे हवाले करता हूँ और उसके एवज अपने घर वालों की आजादी पा लो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। बस हम आ गए। वैसे जोरा के लिए तुम इतना कर क्यों रहे हो? उसके लिए तो आग में भी कूद गए। उसका नाम मत लेना। मैं ये समझू तुम्हारी वजह से हिम्मत की है उसने। इधर जाओ, जाओ। बस रोक लो, उतरो, उतरो गाड़ी से। सबर करो, सबर। ये जल्दी क्या हो रही है? हम वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मार दोगे मुझे चाकू से? बेटा मेरी बात को समझो, उस लड़की को वापस जाना ही होगा। लेकिन वहाँ वापस नहीं जाना चाहती हो। वो लड़की फिकरत की बीवी है, शादीशुदा है, हमारे साथ नहीं रह सकती। अपनी जंग को अगर हम ना खत्म कर सकें तो कोई और खत्म करता है। दुश्मन को अगर हम नहीं कुचलते तो वो हमें कुचल देता है।